की निर्मम हत्या को लेकर वाल्मीकि समाज नाराज। राजस्थान सरकार के खिलाफ भारतीय वाल्मीकि समाज का जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन, ढपली बजाकर किया विरोध प्रदर्शन। युवक की निर्मम हत्या को लेकर वाल्मीकि समाज सड़कों पर। भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के राष्ट्रीय निर्देशक के नेतृत्व में प्रशासन को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि भारतवर्ष में वाल्मीकि जाति दलित समाज सुरक्षित नहीं है। ताजी घटना झालावाड़ा राजस्थान में कृष्णा वाल्मीकि के साथ घटित हुई, जिसमें दबंग उच्च जाति के युवक द्वारा वाल्मीकि समाज के युवक की निर्मम हत्या कर दी गई। इस घटना को देखकर वाल्मीकि समाज के लोग देश भर में भयभीत हैं और भारत में अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। भारत सरकार ने अपने उद्घोष में कहा था कि दलित व अति पिछड़ा वर्ग की सुरक्षा देने का वादा किया था, जो कि सरकार दलित समाज को सुरक्षा देने में नाकाम रही। आए दिन दलित समाज के लोगों पर अत्याचार हो रहा है व दलित महिलाओं के साथ बलात्कार कर उनकी हत्या की जा रही है। इन घटनाओं की शिकायत संबंधित पुलिस को की जाती है तो उनके द्वारा कोई उचित कार्यवाही नहीं की जाती, जिस कारण देश भर में ऐसी घटनाओं पर वाल्मीकि समाज में रोष व्याप्त है। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि झालावाड़ा राजस्थान की घटना में पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा या सरकारी नौकरी व जिले में एक मकान दिया जाए तथा मुजरिमों को शीघ्रता से गिरफ्तार कर फर्स्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर सजा दिलाई जाए। ज्ञापन देने वालों में रोहित वाल्मीकि, गोविंदा, सुनील, नितिन, शिवम, बबलू, हरिओम, संजय, आशु, मुकेश, विशाल सरन, रवि द्रविड़ आदि लोग मौजूद थे। राजस्थान झालावाड़ जिले में एक कृष्णा नाम के युवक को दबंगों ने लाठियों से, हॉकी से पीटते जब तक रहे जब तक उसकी सांसें ना खत्म हुई, और सांस खत्म होने के बाद में ही पीटते रहे। लेकिन अभी तक राजस्थान सरकार ने उनकी गिरफ्तारी नहीं की है। पूरे भारत के वाल्मीकियों में रोष है, और अगर जल्दी गिरफ्तारी ना हुई तो पूरे भारत के वाल्मीकि राजस्थान पूछ करेंगे और वहाँ सरकार से ये पूछेंगे कि ये क्यों हमारे साथ में इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है। ये ढपली बजा के आपने आज ज्ञापन दिया है, क्या उद्देश्य है इसका? ऐसा है, गूंगी बहरी सरकारें हैं तो ढपली बजा के कान कान खोले हैं कि वहाँ तक गूंज पहुँचा है।